वर्ष 2006 में आज ही के दिन सिनेमा के सदाबहार फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी का निधन हुआ था। ऋषिकेश मुखर्जी ने भारत के मध्य वर्ग और सामान्य जनजीवन पर आधारित साफ सुथरी और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनाई। अपने 4 दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने 42 फिल्में बनाई। चुपके चुपके, अनुपमा, आनंद, अभिमान, गुड्डी, मिली, गोलमाल, बावर्ची और नमक हराम और खूबसूरत उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में मानी जाती हैं। वर्ष 1859 में आज ही के दिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम का एक कुआं मिला था, जो बाद में दुनिया का पहला कामयाब व्यावसायिक तेल का कुआं बना। वर्ष 1955 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आज के दिन पहली बार छपी थी। 2 छात्रों ने इस किताब का संकलन किया था और रिलीज होते ही इस किताब ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉपीराइटेड किताब के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वर्ष 2003 में आज ही के दिन मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब आ गया था। उस दिन मंगल ग्रह पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर था। ऐसा 60,000 वर्षों में एक बार होता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का आज ही के दिन वर्ष 1908 में जन्म हुआ था। क्रिकेट की दुनिया में द डॉन के नाम से मशहूर सर डॉन ब्रैडमैन के टेस्ट करियर का बैटिंग एवरेज 99.94 रहा है, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप कह सकते हैं कि डॉन ब्रैडमैन अपनी हर पारी में लगभग 1 शतक की गारंटी देते थे। अपने टेस्ट करियर की आखिरी पारी में सर डॉन ब्रैडमैन बिना कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गए थे। अगर वो उस दिन सिर्फ 4 रन बना लेते तो उनके करियर का औसत 100 रन हो जाता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। हालांकि आज भी कोई बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। ये भी एक विडंबना है कि सर डॉन ब्रैडमैन जैसे बल्लेबाज को भी जिंदगी ने अपने आखिरी पारी में सिर्फ 4 रन बनाने का मौका भी नहीं दिया। निदा फाजली की मशहूर पंक्ति है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। और डॉन ब्रैडमैन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जिस दिन उन्हें 4 रन की जरूरत थी, उस दिन वो एक भी नहीं बना पाए। और आखिर में आपके लिए डोनाल्ड ब्रैडमैन का एक शानदार कथन। उन्होंने कहा था, एक अच्छे कप्तान को एक फाइटर होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं, उसमें खुद को परेशान किए बगैर आलोचना स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए।